सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासरूम की, क्लासरूम मैनेजमेंट फाउंडेशन जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम क्लासरूम का नाम देते हैं। तो उसमें हमने डिस्कस क्या करना है, हमने इसके मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन को डिस्कस करना है और फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम को डिस्कस करना है और फिर क्लासरूम जो होती है हमारी इसमें पाकिस्तान में हमारा जो क्लासरूम है वो किस किस्म का क्लासरूम होना चाहिए ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक कुछ स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, एक लिखा हुआ है क्लासरूम ओवरव्यू। जो क्लासरूम ओवरव्यू है आपका, इसमें हमने देखना ये है कि ये जो पहली चीज़ है, आ रूम एज इन अ स्कूल और कॉलेज इन विच क्लासेज आर हेल्ड, कि किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी बिल्डिंग में कोई एक ऐसा कमरा कि जिसमें आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो कंडक्ट हो रहा हो, या एक ऐसा माहौल जिसमें आप पढ़ने और सीखने और सिखाने का अमल कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है, क्लासरूम कहलाता है। दूसरी पॉइंट में लिखा हुआ है एनी प्लेस वेयर वन लर्न्स और गेन्स एक्सपीरियंस, कि जहाँ कोई एक आदमी, कोई एक शख्स, कोई एक बच्चा, कोई एक स्टूडेंट जो है जहाँ कुछ अपने तजर्बात को हासिल करता है, कुछ सीखता है, कोई नई चीज़ जो सीख रहा है उसको भी हम क्लासरूम कहते हैं। फिर है द वर्ड क्लासरूम इज कॉमनली यूज टू रेफर टू सच अ रूम एट एवरी लेवल ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल एंड कॉलेज, कि कोई भी एक ऐसी हर उस जगह को जहां हम पढ़ रहे होते हैं, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल हो, हाई स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, जहां भी हम सीखने और सिखाने का अमल कर रहे हों उसे हम क्लासरूम कहते हैं। आप घर में बैठे हुए हैं अभी, ये आपकी सारे अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, हम टीम के जरिए एक जगह पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और ये जो हमारा एक सेटअप बना हुआ है, जो हमारी एक चैन बनी हुई है कि हम सारे के सारे अपने मोबाइल्स पे, अपने लैपटॉप पे ऑनलाइन हैं और क्लास ले रहे हैं, बेसिकली इसको भी हम क्या कहते हैं, ये भी एक क्लासरूम है। फिर उसके साथ है इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन अ मोर जनरल वे टू रेफर टू एनी स्पेस वेयर स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय टीचर, फिर वो कह रहा है कि एक ऐसी जगह के जहाँ स्टूडेंट आप अपने टीचर से पढ़ रहे हों, या जहाँ एक टीचर वो उनको पढ़ा रहा हो स्टूडेंट्स को, वो सारे के सारे क्या हैं, वो उस जगह को भी हम क्लासरूम का नाम दे देते हैं, क्लास कहते हैं। सम क्लासरूम माइट नॉट इवन बी इन अ रूम, सम स्कूल्स हैव आउटडोर क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स आर टॉट आउटसाइड, फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने आपको पहले कहा कि भाई ये हम एक अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, लैपटॉप मोबाइल पर ऑनलाइन एक क्लास ले रहे हैं, बेसिकली ये भी एक क्लासरूम है। जो लोग स्कूल में या किसी रूम के अंदर नहीं बैठ के पढ़ रहे, ओवरऑल किसी ऐसी जगह पे हैं कि जहाँ उनको ओपन माहौल दिया गया है, वो भी उनका एक क्लासरूम है। लेकिन क्लासरूम बेसिकली कहा उस चीज़ को जाता है, क्लासरूम है वो कि जहाँ आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो कंडक्ट हो रहा हो, प्रोसीड हो रहा हो, कहाँ सीखने और सिखाने का अमल जहाँ भी हो रहा है, जहाँ एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, क्लासरूम है। जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, ये एक ओवरव्यू था उसका क्लासरूम का, कि ओवरऑल सोसाइटी में हम क्लासरूम को कहते क्या हैं, किस तरह का क्लासरूम होता है। अब जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्लासरूम और स्कूल रूम इज अ रूम डेडिकेटेड प्राइमरीली टू टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज़, क्लासरूम आर फाउंड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल काइंड इंक्लूडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल, होम स्कूल, कॉरपोरेशन एंड रिलीजियस एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, द क्लासरूम अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड अ सेफ स्पेस वेयर लर्निंग कैन टेक प्लेस अनइंटरप्टेड बाई अदर डिस्ट्रैक्शंस। ये थोड़ी सी एक इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन थी, उसमें ये कह रहा है कि एक ऐसा क्लासरूम या स्कूल रूम बेसिकली उस चीज़ को, उस कमरे को, उस बिल्डिंग के एक हिस्से को, उस कोने को कहते हैं कि जहाँ हम अपनी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ एक टीचर अपना मुद्दा अपने स्टूडेंट के सामने बयान कर सकता है और वहाँ वो चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं, ये सारा का सारा एक इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। हमारे मजहबी क्लासरूम भी हो सकते हैं, हमारे ये इस तरह के जो दुनियावी तालीम के लाइक स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग के क्लासरूम भी हो सकते हैं, हम फॉर्मल क्लासरूम भी ले सकते हैं और नॉन फॉर्मल क्लासरूम भी ले सकते हैं या इनफॉर्मल क्लासरूम भी ले सकते हैं। फॉर्मल क्लासरूम आपका ये है कि आप किसी भी कॉलेज या स्कूल की बिल्डिंग में जाके वहाँ एक किसी टीचर से फेस टू फेस उससे सीख रहे हैं, वो आपको पढ़ा रहा है, वाइट बोर्ड पे लिख रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें वो परफॉर्म होता आप देख रहे हैं, वो कहीं हमारे उसका हिस्सा हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब हम दूसरी बात करते हैं
एक इनफॉर्मल क्लासरूम है, तो इनफॉर्मल क्लासरूम भी मौजूद है। कहीं आपको अभी ये जो क्लासरूम क्लास ली जा रही है इसको हम इनफॉर्मल की एग्जांपल में लेके जा सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम। स्क्रीन नज़र आ रही होगी आप लोगों को, स्क्रीन पे लिखा हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो कॉन्सेप्ट है क्या? बेसिकली कॉन्सेप्ट द साइड फीचर्स आर अ सीरीज ऑफ फ्री सेल्फ प्लेस्ड वर्कशॉप कवरिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ हॉट टॉपिक्स इन एजुकेशन। यहाँ आप बहुत सारे टॉपिक्स को, एजुकेशन के रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप एक जगह बैठ के सीख रहे हों, वहाँ आपको टिप्स दी जा रही हों, टेक्निक्स बताई जा रही हों, स्ट्रेटजीज बताई जा रही हों, वहाँ उसके एक्शन के बारे में कि भाई कैसे आपने सीखना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे होती है, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है, आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे होती है, आपके साइकोमोटर या कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम किस तरह लेके जा सकते हैं, वो चीज़ें जहाँ आपको सिखाई जा रही हैं विद द हेल्प ऑफ एविएट्स। जहाँ आपके वाइट बोर्ड एविएट्स में आ गए, मार्कर आपका एविएट्स में आ गया, डस्टर आपका एविएट्स में आ गया, चार्ट्स, मॉडल्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एविएट्स हैं, जहाँ आपको एविएट्स में ही वो चीज़ें सिखाई जा रही हों, एविएट्स का हिस्सा बना के चीज़ों को आपके सामने पेश किया जा रहा हो, वो सारी की सारी जो हैं वो क्या हैं आपके एविएट्स ही तसव्वुर होंगे। इसके साथ ही फिर हमारे पास आ जाता है, ये एक पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। आफ्टर स्कूल प्रोग्राम सर, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। सबको कट गया या सिर्फ आपको? यस सर, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। यस सर। चलें सर, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, कट कट के आ रही है बहुत। रिपीट करेंगे, रिपीट में शायद बेहतर हो जाए, ठीक है। अब भी यहाँ से आगे सुने ना, फिर मैं दोबारा जब उसको रिवीजन करूंगा तो उसमें जहाँ से आपको कोई मसला हुआ वो क्लियर हो जाएगा। ओके सर। सबसे पहली चीज आ जाती है इसमें कि आफ्टर स्कूल प्रोग्राम फ्रॉम विजन टू रियलिटी। जब हम क्लासरूम में जाते हैं, क्लासरूम में जाने के बाद या किसी भी एक स्कूल को अटेम्प्ट करने के बाद, स्कूल अटेंड करने के बाद जो सबसे पहले हमारे पास होता है वो ये होता है कि हमारा जो विजन है वो रियलिटी की तरफ जा रहा होता है। हमने बी एड करना हमारा विजन था, हमने एडमिशन ले लिया, हमने क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी, हमने पढ़ना शुरू किया, हमने प्रोग्राम्स को पास किया या कंटेंट्स को पास करते रहे, सेमेस्टर से आगे गुजरते रहे, तो वो हमारा जो विजन था कि हमने बी एड करनी है वो रियलिटी, वो हकीकत में कन्वर्ट होता ना हुआ नजर में आ रहा है। दूसरा है असेसमेंट एवेल्यूशन एंड करिकुलम रीडिजाइन। इसमें फिर पहली चीज असेसमेंट क्या है, जायजा लेना है, एवेल्यूएशन होती है, और फिर आपका जो नसाब है उसको रीडिजाइन किया जा रहा होता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो उसकी हैं, हमने जो मेन चीज भी डिस्कस करनी है वो है द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ पॉजिटिव क्लासरूम। बेसिकली जो क्लासरूम है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। एक माहौल होता है जो कहीं ना कहीं उस पर असरअंदाज हो रहा होता है कि स्टूडेंट्स आया लग बेहतर सीख रहे हैं या बेहतर नहीं सीख रहे। जो बेहतर सीखने का जो माहौल होता है उसको हम इस तरह का बना रहे होते हैं कि जहाँ किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। हम ये देखते हैं कि हमारा वो क्लासरूम एक ऐसी जगह पे हो जहाँ किसी किस्म का शोर ना आ रहा हो, हमारा बच्चों का जो सीखने और सिखाने का अमल है वो पुरसकून हो, किसी की डिस्टर्बेंस, किसी की जो है इंटरफेरेंस उसमें नहीं होगी, तो हमारा एक क्लासरूम जो है वो बेहतर क्लासरूम कहलाएगा। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि क्लासरूम एनवायरनमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इफेक्टिंग स्टूडेंट लर्निंग। जो माहौल है क्लास का वही चीज़ है वो सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रहा होता है किस पे, आपकी लर्निंग पे। क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की लर्निंग पे इफेक्ट हो रहा होता है। सिंपली पुट, स्टूडेंट्स लर्न बेटर व्हेन दे व्यू द लर्निंग एनवायरनमेंट एज पॉजिटिव एंड सपोर्टिव। कि जब हमारा जो माहौल होगा वो पॉजिटिव होगा और उसके स्टूडेंट्स की लर्निंग में कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा दे रहा होगा तो वो बेहतर सीखेंगे। इसके बरक्स कि आप क्लास में जाते हैं, आपका जैसे ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है आपका टीचर आपको कंटेंट डिस्कस करना ही वाला होता है, तो कोई और नया स्टूडेंट क्लास में आ जाता है, कोई आके बुला के टीचर को ले जाता है, या बाहर से किसी हॉर्न की आवाज़ आती है, किसी शोर की आवाज़ आती है, तो वो आप बेहतर तरीके से समझ नहीं सकेंगे, सीख नहीं सकेंगे, वो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। इसके बरक्स जब आपका माहौल बिल्कुल पुरसकून होगा और सिर्फ आपका टीचर ही बोल रहा होगा, उसी की आवाज़ क्लास में घूम रही होगी, विद एग्जांपल्स वो चीज़ें आपको डिस्कस करवा रहा होगा, तो वो आप आसानी से सीख लेते हैं।
A positive environment is one in which students feel a sense of belonging, trust others, and feel encouraged to take challenges, take risks, and ask questions, such as environment provides relevant content, clear learning goals, and feedback opportunities to build social skills and strategies to help students succeed. इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने पहले भी डिस्कस की थी और वही चीज़ें सारी की सारी रिपीट हो रही हैं. सबसे पहले हमने देखना ये कि पॉजिटिव क्लासरूम जो है, ये क्लासरूम की इम्पॉर्टेंस वो है क्या, कि यहाँ लोग आसानी से या स्टूडेंट आसानी से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाते हैं, किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रही होती. पहली चीज़ तो ये है. दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो क्लासरूम है उसमें हमारा जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो सपोर्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. ये भी उसकी इम्पॉर्टेंस है. किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ये उसमें आ जाता है. ये लर्निंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सारी की सारी चीज़ें थी. मैं ये वाली जो स्लाइड्स हैं ये एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ. पहले आपको समझ भी नहीं आई थी, अब अगर आपको समझ आ रही है तो आपको स्क्रीन पूरी नज़र आ रही है या आधी नज़र आ रही है? पूरी आ रही है सर. पूरी नजर आ रही है. सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है क्लासरूम ओवरव्यू. सिर्फ ये क्लासरूम का एक ओवरव्यू दे रहा है कि क्लासरूम कहते किसको है, क्लासरूम होता क्या है. अ रूम इज एज इन अ स्कूल और कॉलेज इन विच क्लासेस आर हेल्ड. ये एक आसान सी बात है कि जहाँ किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में एक ऐसा कमरा, एक ऐसा कोना, एक ऐसी जगह कि जहाँ आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा हो, जहाँ आपकी क्लासेस हेल्ड हो रही हो, जहाँ आपका टीचर आपको पढ़ा रहा हो, वो सारी की सारी जो है वो इसमें आ सकती हैं. सईदा, रिद्दा, फातिमा, कौन है ये? शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया. एनी प्लेस वेयर वन लर्न्स और गेन एक्सपीरियंस. फिर दूसरी ही चीज़ वो कह रहा है कि ऐसी जगह जहाँ कोई सीख रहा हो या तजर्बात को हासिल कर रहा हो, एक्सपीरियंस गेन कर रहा हो, उसको भी हम क्लासरूम कहते हैं. वो कह रहा है द वर्ड क्लासरूम इज़ कॉमनली यूज्ड टू रेफर टू सच अ रूम एट एवरी लेवल ऑफ एजुकेशन. किसी भी लेवल ऑफ एजुकेशन पे जहां आप बैठ के पढ़ रहे हों, किसी कमरे में आप तालीम हासिल कर रहे हों, तरतीब के साथ बैठे हों, आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो, आपके जो है क्लास का जो माहौल है वो पॉजिटिव हो, सपोर्ट हो, उसको आप क्लासरूम कहते हैं. इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन अ मोर जनरल वे टू रेफर टू एनी स्पेस वेयर स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय टीचर. फिर ये भी इसको कहा जा सकता है कि जहां आपका टीचर आपके स्टूडेंट को पढ़ा रहा हो, उसको भी हम क्लासरूम कहते हैं. और साथ ही कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका क्लासरूम एक रूम ही के अंदर, एक कमरे ही की हद तक जो है, जहाँ आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंडक्ट करवा रहे हैं, वो कमरे ही का होना ज़रूरी नहीं है. कहीं आउटडोर क्लासरूम भी होते हैं. जैसे आपका ये जो क्लासरूम चल रहा है इसको हम आउटडोर क्लासरूम कहते हैं. फिर उसने डेफिनेशन की बात की. डेफिनेशन में उसने कहा कि कोई भी एक क्लासरूम या स्कूल रूम, ये एक ऐसा कमरा कि जिसमें आपके टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हो, जहाँ आपको पढ़ाया जा रहा हो. और क्लासरूम फाउंड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स इंक्लूडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट. ये पब्लिक स्कूल्स में भी होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी होते हैं, घर में भी होते हैं, कॉरपोरेशंस में भी होते हैं, रिलीजियस स्कूल्स भी होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस भी किसी किस्म के कोई क्लासरूम को जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट की बात की थी. तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले वो कहता है कि वही चीज़ें हैं कि जहां आप चीज़ों को विजन से रियलिटी की तरफ लेके जाते हैं, जहां आप चीज़ों को तहरीरी शक्ल में, कंटेंट की शेप में, निसाब की शक्ल में अपने सामने पाते हैं, फिर उस पर आप फर्दर जो वर्क है वो करते हैं, उसको पढ़ते हैं, आपकी वर्कशॉप्स होती हैं, आपको उसमें टेक्निक्स बताई जाती हैं, टिप्स बताई जाती हैं, मेथडोलॉजीज बताई जाती हैं, स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वहाँ जब जहाँ वो परफॉर्म हो रही हो, उस जगह को हम क्या कह रहे होते हैं, वो क्या है, हमारे पास क्लासरूम है. फिर ये एक पिक्चर है, ये सिर्फ उसकी वही चीज़ें हैं, सिर्फ आगे मैंने उसको थोड़ा अलग अलग करके लिखा है. फिर इम्पॉर्टेंस की बात करता है. तो जो इम्पॉर्टेंस ऑफ अ पॉजिटिव क्लासरूम, क्लासरूम एनवायरनमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इफेक्टिंग स्टूडेंट लर्निंग. पहली चीज़ के जो आपका एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट कर रहा होता है. किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस जो है नहीं होनी चाहिए आपके क्लासरूम में. जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सपोर्टिव और पॉजिटिव माहौल में होना चाहिए. आप एक ऐसी जगह को प्रेफर करें कि जहां आप चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को,
किसी सलूशन की तरफ लेके जा सकते हो, और हमेशा रेलिवेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को कि जहाँ वो अपनी सोशल स्किल्स को, अपने इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, कॉग्निटिव और इस तरह की अपनी जो स्किल्स हैं उनको प्रमोट कर सके। ऐसा नहीं है कि आपको क्लासरूम ऐसा हो कि जहाँ आपका बच्चा आपकी अपनी सलाहियतों को ज़ाया करे, बल्कि वो जो सलाहियतें उसमें मौजूद हैं वो उनको उसमें ज़्यादा तरक्की दे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम इन इस्लाम की। तो इस्लाम का जो क्लासरूम है हमारा, कहीं वो मदरसा एजुकेशन की तरफ चला जाता है कि हमारी जो मदरसा एजुकेशन है, जो हम मस्जिद में बैठ के कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे होते हैं, क्लासरूम जो हमारा मस्जिद के हद तक जो क्लासरूम है, मदरसा है, उसको भी हम क्लासरूम कहते हैं कि जहाँ आपके कुरान की या तालीम दी जा रही है, जहाँ आपके मज़हब की तालीम दी जा रही है, जहाँ आपके जो वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, उनकी तालीम दी जा रही है, वो भी हमारे पास बेसिकली कौन सी है, वो भी क्लासरूम है, जहाँ हमें सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं। सबसे पहले यहाँ भी एक टीचर का किरदार है, वहाँ हम मुअल्लिम की बात करते हैं, वहाँ हम जहाँ हम टीचर की बात करते हैं तो वहाँ हम कारी साहब की बात करते हैं, वहाँ हम आफिस साहब की बात करते हैं, मुअल्लिम की बात करते हैं। वहाँ मुअल्लिम का काम भी ये है कि वो चीज़ों को पढ़ा रहा होता है। सबसे पहले जब इस्लाम की हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हम इस्लाम के शुरुआत की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो क्लासरूम है वो हमारे पास सुफा का जो मदरसा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया, ठीक है, उसमें एक असहाबे सुफा के लिए एक मदरसा बनाया गया, मस्जिद नबी की एक कोने को मुख्तस किया गया कि यहाँ आप पढ़ने और पढ़ाने का जो अमल है उसको प्रोसीड करेंगे, उसको कंडक्ट करेंगे, तो उसको असहाबे सुफा या उसको किया कहा गया, असहाबे सुफा का नाम दिया गया उस मदरसे को, पहला जो मदरसा था। वहाँ भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही परफॉर्म किया जा रहा था। और फिर जब जंगे बदर या जंगे ओद के बाद लोगों को, अब बहुत सारे कैदियों को पकड़ के लाया गया और उनको भी कहा गया कि आप हर एक कैदी को इस इवज पर छोड़ दिया जाएगा कि वो हमारे 10 जो लोग हैं उनको क्या करेगा, पढ़ने और सीखने या सिखाने का जो अमल है उसे गुजारेगा, पढ़ाएगा सहाबा को, तो उसके बदले में उसको छोड़ दिया जाएगा। अब हमारे पास जो बात आ गई, जो अब हमारा टॉपिक है, हम उसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमारी चीज़ है क्लासरूम, हमने डिस्कस कर लिया, अब हमने मैनेजमेंट को डिस्कस करना है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का कोई आइडिया है किसी को, कायनात मैनेजमेंट होती क्या है? सर मैनेजमेंट भी यही होती है कि हम क्लास को कैसे अरेंज कर सकते हैं उसकी मैनेजमेंट, मतलब जब टीचर क्लास में एंटर होता है तो वो आके अगर क्लासरूम अरेंज नहीं है तो उसको सही अरेंज करवाता है, इस अरेंजमेंट में यही आता है सर। मैनेजमेंट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, ठीक है, किसी एक ऐसे सिस्टम में एक ऐसी तरतीब देना कि जहाँ आप एक लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर रहे हों कि जहाँ आपकी किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वो आपकी मैनेजमेंट है। और क्लासरूम मैनेजमेंट भी हम इसी ही में देखते हैं कि जहाँ हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हों, कोऑर्डिनेट कर रहे हों, कंप्लीट कर रहे हों, जहाँ हम एफिशिएंसी शो कर रहे हों कि चीज़ें वाकई ही बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, हम दूसरों से अच्छे अंदाज में इसको परफॉर्म कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट है। स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जी शो हुआ, नो सर अभी नहीं हुआ। व्हाट इज मैनेजमेंट, हो गया सर जी। बेसिकली वो कह रहा है कि इसकी डेफिनेशन में कह रहा है कोऑर्डिनेटिंग वर्क एक्टिविटीज सो दे आर द कंप्लीटेड efficiently and effectively with and through other people, जहाँ आप चीज़ों को efficiency के साथ perform कर रहे हों या effectiveness अपनी show कर रहे हों, वो चीज़ों को तरतीब देने में वो आपकी क्या कहलाती है, management कहलाती है। Basically यहाँ manager की बात करते हैं हम, तुम्हारा जो manager है वो teacher होता है जो चीज़ों को manage कर रहा होता है, चीज़ों को मैनेज करने वाला हमारा टीचर है, तो वही चीज़ों को मैनेज करेगा, वही चीज़ों को परफॉर्म करेगा, ठीक है।
हमने सिर्फ इसकी जो शॉर्ट सी डेफिनेशन है पहले मैनेजमेंट की वो देखते हैं और फिर हम अपनी क्लासरूम मैनेजमेंट की तरफ चले जाते हैं। जो डेफिनेशन है वो कह रहा है कि ऑल पॉसिबल इन ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड मैनेजमेंट, के हर चीज़ जो आप बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म कर रहे हों, मैनेज कर रहे हों, वो आपकी मैनेजमेंट कहलाती है। जब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो भी आपकी मैनेजमेंट कहलाती है। क्लासरूम मैनेजमेंट, आपकी क्लासरूम को मैनेज करना, आपकी क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करना। जब आप अपने क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, लाइक आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो आपको देखना पड़ता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो बड़े कद के बच्चे होते हैं, कुछ छोटे कद के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके आई साइड का मसला होता है, कुछ शरारती बच्चे होते हैं, कुछ ग्रुप्स बने होते हैं बच्चों के, इन सब को आपने इस तरह ऑर्गेनाइज करना है, इस तरह तरतीब देना है कि आपका जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो। आपने बड़े कद के बच्चों को पीछे बिठा दिया, छोटे कद के बच्चों को आप आगे बिठाएंगे ताकि उन जो बड़े कद वाले हैं वो पीछे से आसानी से देख सकते हैं। आपका सीटिंग अरेंजमेंट इस किस्म का होना चाहिए कि आपको बीच में से एक रो रखें जहाँ से टीचर आपका आगे पीछे गुजर के सारी क्लास को देख सकता हो। इस तरह का क्लासरूम नहीं हो कि सारी चेयर्स एक दूसरे के साथ आपने चिपकाई हुई हैं, चिपटी हुई चेयर्स हैं और आगे पीछे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, सिर्फ आगे वाली रो पे आपका टीचर फोकस कर रहा हो और पीछे वो जा ही ना रह सके, उसको पीछे नज़र ही कुछ ना आ रहा हो। वो सारी की सारी चीज़ें एक तरतीब के साथ जब वो ले कर चल रहा होगा तो क्लासरूम के माहौल को बेहतर बनाने के लिए उसमें सीटिंग अरेंजमेंट भी आ जाती है, उसमें उसके एविएट्स का इस्तेमाल आ जाता है, उसमें स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी क्लासरूम मैनेजमेंट का हिस्सा होती हैं। कुछ इसके लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, एक है हमारे पास अपर लेवल मैनेजमेंट, फिर है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तीन लेवल है हमारे पास, अपर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। हम इसको इन परस्पेक्टिव ऑफ स्कूल, या हम इसको स्कूल के सेटअप में देखें, ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप में देखें, या किसी एक सोसाइटी के सेटअप में देखें, कंट्री या स्टेट के सेटअप में देखें, तो हमें हर जगह यही मैनेजमेंट नज़र आ रही होगी। अपर लेवल मैनेजमेंट जब हम एक देखते हैं, एक स्कूल या हम अपनी यूनिवर्सिटी ही को ले लेते हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में भी हम इस मैनेजमेंट को जब डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास अपर लेवल मैनेजमेंट आ जाती है। अपर लेवल मैनेजमेंट में हमारे पास चांसलर, वाइस चांसलर एंड ये डीन्स वगैरह जितने भी हैं, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, हमारे पास अपर लेवल मैनेजमेंट में आ जाएंगे। कि चांसलर का काम, वाइस चांसलर का काम और डीन्स का, इन सब का काम है कि वो यूनिवर्सिटी का ओवरऑल जो सिनेरियो है, ओवरऑल जो सेटअप है उसको देख रहे होंगे, उसको चेक कर रहे होंगे। हमारे पास ये अपर लेवल मैनेजमेंट है। इसी के बाद दूसरी मैनेजमेंट आ जाती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनके सेंटर में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स, जितने भी हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं उनके जितने भी हेड्स हैं वो हमारे पास मिडिल, कि वो उनका काम ये है कि वो चीज़ों को वाइस चांसलर एंड डीन के साथ डिस्कस करते हैं, डीन के साथ डिस्कस करके वो सेटअप एक नया बना रहे होते हैं। इसमें करिकुलम को भी देखा जा सकता है, इसमें हमारी बाकी एक्टिविटीज़ को भी देखा जा सकता है। जब हम मिडिल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ऑल डायरेक्टर्स ऑफ डिपार्टमेंट वो हमारे पास मिडिल में आ जाते हैं। और लोअर की बात करते हैं तो हमारे पास जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं यूनिवर्सिटी के, जो हमारे अब डिपार्टमेंट है एजुकेशन है उसके जो टीचर्स हैं, सी एस है उसके जो टीचर्स हैं, इंग्लिश है, मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, साइंसेज के सब्जेक्ट्स के जितने भी हैं, इन सब की जो टीचर्स हैं या फैकल्टी है, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाती है। इसी तरह अगर हम एक बैंक में मैनेजमेंट को देखें तो हमारा जो बैंक मैनेजर होता है वो अपर लेवल मैनेजमेंट आ गया, एक हमारे पास ऑपरेशनल मैनेजर होता है वो मिडिल आ गया, एंड बाकी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमारे पास लोअर लेवल मैनेजमेंट आ जाती है। जब हम क्लासरूम में देखते हैं तो क्लासरूम के हम मैनेजमेंट के स्टेप्स को देखें, हमारी जो क्लासरूम है उसमें हमारा टीचर अपर लेवल मैनेजमेंट में आ जाता है, सीआर एंड जीआर जो हैं वो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं, और इसके साथ बाकी जो स्टूडेंट जो क्लास का हिस्सा हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं।